एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। बहुत गुर है तो बैंक की शादी कराएगा मुझसे। तेरे को दिखता नहीं वैसा कितने आदमी है। सलमान खान का क्या है असली नाम? हिमेश रेशमिया ने क्या कहा था सलमान खान के बारे में? सलमान की किस फिल्म ने उनके डूबते करियर को बचाया था? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। सलमान खान यानी हमारे दबंग खान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो बॉलीवुड के सबसे ज्यादा पॉपुलर सुपरस्टार हैं। अब भाई एक इवेंट में जब सिंगर हिमेश रेशमिया से सलमान खान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऊपर भगवान और नीचे सलमान। हाँ जी, बिल्कुल सही समझे आप, हिमेश रेशमिया ने ये बात सलमान की तारीफ में बोली थी। हम सभी जानते हैं कि सलमान खान ने बॉलीवुड में एक नहीं बल्कि कई नई एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को लॉन्च किया है और वो सबकी निस्वार्थ मदद भी करते हैं। दबंग खान का दिल बहुत बड़ा है और वो कभी किसी से नहीं कहवाते। दोस्तों बता दूं कि सलमान खान को सब ज्यादातर सल्लू, दबंग खान, सलमान, टाइगर या फिर भाईजान के नाम से पुकारते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दबंग खान का असली नाम? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं सलमान खान का असली नाम। सलमान खान का असली नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है। सलमान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो कभी हीरो नहीं बनना चाहते थे बल्कि वो एक डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी अच्छी पर्सनालिटी देखकर सब उन्हें हीरो के तौर में साइन करना चाहते थे। साल 1998 में सलमान खान ने एक फिल्म बीवी हो तो ऐसी में को एक्टर के रूप में डेब्यू किया था। उस फिल्म से सलमान ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे और दोस्तों फिर उन्होंने मैंने प्यार किया में काम किया जिससे उन्हें और भी ज्यादा प्रशंसा मिली और फिर उसके बाद से सलमान ने कई फिल्में की और उनमें ज्यादातर फिल्में हिट भी रही थी। दोस्तों जब सलमान खान करियर के एक बुरे दौर से गुजर रहे थे, उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम नहीं कर पा रही थी, तब साल 2009 में सलमान खान ने प्रभुदेवा की फिल्म वांटेड साइन की जिसके प्रोड्यूसर बोनी कपूर थे और डायरेक्टर प्रभुदेवा। और दोस्तों सलमान के ऑपोजिट फीमेल लीड में ब्यूटीफुल आयशा टाकिया थी। रिलीज होते ही इस फिल्म ने कमाल कर दिया बॉक्स ऑफिस पर और दोस्तों वांटेड ने अंधाधुंध कमाई की थी और दर्शकों को वांटेड बहुत पसंद आई थी। वांटेड से सलमान के सोते हुए करियर की नींद खुली। आजकल दोस्तों ये चर्चा जोरों शोरों से चल रही है कि भाईजान के साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म वांटेड का सीक्वल आने वाला है, यानी कि वांटेड 2 फिल्म बनने वाली है। हालांकि अभी तक इस बात को वांटेड के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर किसी ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन दोस्तों अगर वांटेड 2 आती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वांटेड 2 भी वांटेड की तरह दर्शकों को पसंद आएगी। अगर सब कुछ ठीक बना रहा तो उम्मीद है कि इस फिल्म के प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू होने लगेगा। अब भाई फिल्म दुनिया की बाकी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। हमारी आज की राइटर है तान्या।